इंसान थे जो हमेशा अपने समाज को आगे रखकर चलते थे। उनके मजबूत इरादों का एक उदाहरण यह है कि एक बार जब उन्होंने कुछ मांगों को लेकर आंदोलन किया तब वो कोविड से संक्रमित थे, परंतु समाज के लिए वो शारीरिक कष्ट सहकर भी अपनी मांगों पर अडिग रहे। मुझे प्रसन्नता है कि कर्नल बैसला द्वारा समाज के लिए की गई मांगों को सरकार के कार्यकाल में पूरा किया गया और कार्यकाल में उनके नेतृत्व में किए गए किसी भी आंदोलन में सरकार द्वारा किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया। कर्नल बैसला जब अस्वस्थ हुए, मेरी उनसे व उनके स्वास्थ्य की निगरानी करने वाले डॉक्टर से लगातार बात होती रही। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का जन्मदिवस और अस्थि विसर्जन है। ये दुखद है कि वो आज हमारे बीच नहीं है, परंतु गुजर समाज के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। साथियों, कर्नल साहब जो हमें संदेश देकर गए, मैं समझता हूं कि आज हम सब केवल उनके जीवन काल में संघर्ष करने की क्षमता जो उन्होंने हमें दी, संघर्ष करने का पाठ जो उन्होंने पढ़ाया, 12 साल तक आंदोलन की लड़ाई को लड़के अपने समाज का अधिकार उन्होंने लेकर माना, मैं समझता हूं कि ऐसे महापुरुष कई सैकड़ों साल में पैदा होते हैं और आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहां पर आए। मैं आज यही कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि मेरे जीवन में मुझे कई बार उनका आशीर्वाद